नमस्कार, आप देख रहे यूनिवर्सल न्यूज। दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही राजधानी एक्सप्रेस के इंजन में आई तकनीकी खराबी के चलते राजधानी एक्सप्रेस के ट्रेन के डिब्बे करीब 8:30 बजे हाथरस जंक्शन स्टेशन पर रोका गया। इंजन में आई खराबी की सूचना से रेलवे अधिकारियों में मचा हड़कंप। आधे घंटे के बाद इंजन में आई तकनीकी खराबी को ठीक किया गया। करीब 9 बजे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को भुवनेश्वर के लिए किया गया रवाना। हाथरस जिले के हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन का मामला।